अगली खबर आ रही है मध्य प्रदेश के रीवा जिले से, जहां पुलिस प्रशासन के संरक्षण में लंबे समय से समोसे की दुकान में शराब बेची जा रही थी, जिसकी शिकायत स्थानीय लोगों के द्वारा की गई थी। गत दिवस उक्त शिकायत नायब तहसीलदार यतीश शुक्ला के पास पहुंची, जहां से पुलिस अमला और आबकारी कर्मचारियों के साथ मौके पर पहुंचकर जांच पड़ताल की तो शराब की बोतलें बरामद हुई, जिसके बाद प्रशासन ने उक्त दुकान पर बुलडोजर चला दिया। पूरा मामला कोतवाली थाना क्षेत्र के जोरी बाईपास का है, जहां तेजा पटेल के द्वारा आयुष समोसा नाम की दुकान संचालित की जा रही थी। चाय समोसे की दुकान की आड़ में शराब की बिक्री की जा रही थी। आइए आपको दिखाते हैं पूरी कार्यवाही और सुनाते हैं नायब तहसीलदार यतीश शुक्ला ने पूरे मामले को लेकर क्या कहा है। बोल के गया था चार दिन पहले, ये थी बिना देर किए। ये हमको जोरी बाईपास में बड़ी जोरी गांव जो है वहां पर ग्रामीण जनों से और शिकायत प्राप्त हो रही थी निरंतर कि पिछले एक सप्ताह से कि यहां पर एक समोसे की दुकान है आयुष करके, आयुष समोसा, जिसका संचालक तेजा पटेल है। तेजा पटेल के द्वारा ही यहां पर उनकी पत्नी के द्वारा यहां पर अपने चाय की दुकान से ही शराब बेची जा रही है अवैध रूप से। उसी को लेकर के हमने पहले शिकायत का सत्यापन कराया, शिकायत सही पाए जाने पर आज उस पर कार्यवाही की जा रही है। सर आपका भी अमला भी आपके साथ था, क्या आपको इससे जानकारी थी? हाँ, हमको शिकायत प्राप्त हुई थी ग्रामीण जनों के द्वारा यहाँ पर कि जो यहाँ पर आसपास निवासी रहते हैं उन्होंने शिकायत की थी कि यहाँ पर ये चाय समोसे की दुकान पर शराब भी बेची जाती है अवैध रूप से, और जिससे कि यहाँ का माहौल जो रहता है वो खराब रहता है और किसी भी प्रकार के वाद विवाद होने की संभावना यहाँ पर बनी हुई थी। दुकान को नष्ट कर दिया गया है, कोई कार्रवाई? हाँ, हम इस पर आबकारी एक्ट का जो 34 धारा है उसके तहत कार्यवाही की जाएगी। जो अवैध शराब की बिक्री की है उस पर हम कार्यवाही कर रहे हैं, साथ में और भी देख रहे हैं, जो कि निवासी रहने वाला वार्ड क्रमांक 2 का है, टेकुआ का रहने वाला है और यहाँ आकर के इस तरह के अवैध कार्य गतिविधि कर रहा है। नमस्कार रीवा, मैं हूँ भानु पंडित और मैं हूँ अनीता भट्ट और हमारे यहाँ आपके शहर रीवा 11 दिसंबर 2022 कृष्णा राज कपूर ऑडिटोरियम में एक सुरों की महफिल सजाने, जिसका नाम है उड़ान शाम में गजल, एक शाम सूफी संगीत के नाम में अपनी प्रस्तुति देने के लिए। तो हम चाहते हैं कि आप सभी आए वहाँ पे इस संगीत में शाम का हिस्सा बनने के लिए, और हम दोनों स्पेशली थैंक्स बोलना चाहते हैं अभ्युदय उपकार फाउंडेशन की तरफ से अनामिका शुक्ला जी का, जिन्होंने हमें भीवा शहर आमंत्रित किया। तो सी यू ऑल दैट।